त्यौहार पर आप मिठाइयाँ तो बना ही रहे होंगे, साथ में इस हेल्दी से मूंग दाल पिज्ज़ा को बना करके देखिए, त्यौहार का मजा दुगना हो जाएगा। बच्चों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा जब वो इस पिज्ज़ा को देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाई दीपा निकम में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इस पिज्ज़ा को बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मूंग दाल को अच्छी तरह वॉश करने के बाद 2 घंटे के लिए सोक कर लिया है। यह अच्छी तरह से भीग चुकी है, अब इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको दाल पीसते समय ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको मूंग दाल का बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। दाल पीस चुकी है, अब इसमें 2 टीस्पून चावल का आटा डाल देते हैं, इससे पिज़्ज़ा क्रिस्पी बनेगा। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा और चला लेते हैं। देखिए हमें पेस्ट को इतना गाढ़ा रखना है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम मूंग दाल पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसकी टॉपिंग के लिए आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजीज में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और पनीर को छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इन सब्जियों को मिक्स करके इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1/4 टीस्पून पिज्ज़ा सीजनिंग डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। टॉपिंग भी रेडी है। इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए आप टोमेटो सॉस में डालिए चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। सॉस रेडी है। हमारी बैटर, टॉपिंग और सॉस तीनों ही रेडी हैं। बनाने की प्रोसेस की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले बैटर में डालिए 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट साल्ट। इसे मिक्स करें। जितनी देर में आप फ्रूट साल्ट को मिक्स करें उतनी देर में एक तरफ पैन को गर्म होने के लिए रख दें। पैन में डालिए बटर। बटर के मेल्ट होते ही इसमें मूंग दाल वाला बैटर डाल दें। आपको बैटर थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा बेस है वो थोड़ा सा मोटा बने। अब आप फ्लेम को एकदम लो कर दें और इसे पकने दें। जब अपर लेयर ड्राई हो जाए तो इस पर श्रद्धानुसार बटर लगाइए, मतलब जितना आपको पसंद हो उतना लगाइए। अब पलट कर नीचे की तरफ से भी अच्छी तरह पकने दें। फ्लेम को शुरू में लो रखिएगा और बाद में मीडियम करते हुए इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक कुक कर लें। नीचे से भी अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इसे कट कर लें। आपको ऊपर वाली लेयर कट करके इस तरह से खोलनी है। हम पिज़्ज़ा को इस तरह से कट करके बना रहे हैं, तभी हमने पिज़्ज़ा का बेस थोड़ा सा मोटा रखा था। अब इसके ऊपर लगाएंगे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस, इसके ऊपर वेजीज डालेंगे, मोज़रेला चीज़ डालेंगे। आप मार्केट की मोज़रेला चीज़ की जगह घर पर बनी मोज़रेला चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। घर पर मोज़रेला चीज़ बनाने का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हमने जो साइड्स कट की थी उससे इसे ढक देंगे। इसके ऊपर पनीर डाल दें, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दें, मोज़रेला चीज़ डाल दें, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें। बस अब लिड लगाकर चीज़ के मेल्ट होने तक इसे कुक कर लें। आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए हमारा सुपर टेस्टी मूंग दाल पिज़्ज़ा रेडी है। आप भी इस मूंग दाल पिज़्ज़ा को ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।